बांका जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि लॉकडाउन का पूर्णतः कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा। ओपीडी सेवा प्रारंभ कर दी गई है। बहुत जरूरी होने पर सदर अस्पताल के साथ साथ पीएचसी में भी इमरजेंसी सेवा बहाल कर दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कृषि कार्य की अनुमति दी गई है। निजी व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने पर रोक है। जिले के हर व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाएगा। लॉकडाउन में ग्रामीण इलाकों में रियायत दी गई है। हर हमेशा सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। इसे तोड़ने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले की सीमा को सील करने के साथ ही बिना पास वाले व्यक्ति ना जिला के बाहर जा सकेंगे ना जिला में प्रवेश कर सकेंगे। पानी की किल्लत होने पर पीएचडी विभाग की ओर से 20 टैंकर उपलब्ध हैं। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि पूरे जिले में लॉकडाउन को लेकर पूरी सख्ती बरती जा रही है। जिले में 1700 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। 19,38,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूला गया है। जो वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है, उसके माध्यम से ही वितरण कराना है। तो आने वाले समय में अब जो वितरण होगा वो फिर से लाभुक के सत्यापन से ही होगा। अभी तक उस पर छूट थी, लेकिन आज विभाग का निर्णय हुआ है ऐसा, तो वो है। आंगनवाड़ी में भी मैं आपको बता दूँ, इसके साथ साथ ही आंगनवाड़ी में वितरण के लिए हम लोगों ने एक इस बार चूँकि बहुत ही ज़रूरी था कि सारे लाभुकों के पास अनाज पहुँचे, तो हम और विभाग का ये भी निर्णय था कि डीबीटी करने के लिए सबका आधार और खाता संख्या जितने भी लाभुक हैं सबका ऊपर है। तो हम लोगों ने 3-3 प्रखंड के ब्लॉक में यूनिट में हम लोगों ने अपने पूरे जिला के प्रखंडों को बांटा है, और आज बहुत ही अच्छे तरीके से वितरण हमारा आज का जो शेड्यूल था वहाँ पर हो रहा है। कुछ रियायतें दी गई हैं कुछ शर्तों पर, कुछ शर्त का अनुपालन के आधार पर वो रियायत लागू रहेगा, जिसके बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। लेकिन इस रियायत में भी सोशल डिस्टेंसिंग पूर्णतः फॉलो करना है, चाहे वो कृषि कार्य हो या ईंट भट्टा संबंधी कार्य हो, जो भी इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर रियायतें दी गई हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाएगा, अन्यथा वो गलत होगा, लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। हम लोग जिस तरीके से बाकी क्षेत्र में बैंक में ATM में हाट बाजार में इसको लागू कर रहे हैं, उसी तरीके से जो रियायत है उस पर भी लागू करेंगे। बांका जिला के शंभुगंज थाना क्षेत्र के खपड़ा गांव में नाले की साफ सफाई को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों से एक दर्जन लोग जख्मी हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची शंभुगंज पुलिस ने जख्मी प्रथम पक्ष से राम टहल ताती, बिक्की कुमार, नवल ताती, संतोष राम, संतोष ताती, सुनील कुमार, भरत ताती, रोशन कुमार एवं मनोरमा देवी, और दूसरे पक्ष से मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद आफ्ताब एवं मोहम्मद मौसीम को इलाज के लिए शंभुगढ़ PHC में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने प्रथम पक्ष से गंभीर रूप से जख्मी मनोरमा देवी एवं दूसरे पक्ष से मोहम्मद आफ्ताब की हालत नाजुक देख भागलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार गांव के पूरन ताती के घर श्राद्ध क्रम को लेकर साफ सफाई का काम चल रहा था, इसी सिलसिले में दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। किसी ग्रामीण ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। सूचना पर BDO सुरेंद्र प्रसाद, CO परमजीत सिरमौर, थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद सहित पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और किसी तरह बढ़ रहे हालात को काबू किया गया। सभी जख्मी को एम्बुलेंस द्वारा CHC भेजा गया। CHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि दो जख्मियों को रेफर कर दिया गया है। सूचना पर SDO मनोज कुमार चौधरी, SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, पुलिस इंस्पेक्टर बकील यादव, अमरपुर थानाध्यक्ष कुमार सन्नी, पुलिस बलों के जवानों के साथ घटनास्थल पर खपड़ा गांव पहुंचे, जहां खपड़ा गांव में दोनों पक्षों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। वहीं SDO ने सख्त हिदायत दी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। बांका जिला के पंजवारा थाना क्षेत्र के माराटीकर गांव के समीप गुप्त सूचना के आधार पर नदी किनारे सुबह 6:30 बजे गोड्डा जिला के दिवाकर मंडल को शराब के साथ पकड़ा गया। शराब तस्कर के पास से बिना नंबर की होंडा साइन बाइक भी बरामद हुई है। शराब तस्कर ने बताया कि रघु नामक लड़के को शराब की डिलीवरी करने आया था, वहीं डिलीवरी लेने वाला रघु फरार हो गया है। वहीं सूचना मिलने पर मद्य निषेध अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार ने रात्रि 3:30 बजे से ही नाकेबंदी कर रखी थी। मध्य निषेध सिपाही सुनील कुमार, सौरभ कुमार, सैब जवान श्री विद्या और प्रजापति साथ में रहे। संपूर्ण कार्रवाई का नेतृत्व निरीक्षक प्रमोद कुमार मंडल के द्वारा किया गया। लॉकडाउन के मद्देनजर बांका जिला के सभी सीमा को सील कर दिया गया और सीमाओं पर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग की टीम भी बॉर्डर पर शराब माफियाओं पर कड़ी निगरानी रख रही है।
इसी कड़ी में मंगलवार को पंजवारा थाना क्षेत्र के माराटीकर गांव के समीप ग्रामीण पथ पर आबकारी विभाग की टीम ने सुबह एक बाइक सवार धंधेबाज को विदेशी शराब के साथ धर दबोचा। वहीं उधर बॉर्डर पर PSI पवन कुमार, आबकारी विभाग के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी विष्णु प्रिया सहित अन्य अधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं और बॉर्डर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कामकाज ठप हो जाने से जहां एक और कई लोगों को राशन की भी किल्लत हो गई है, वहीं संकट की इस घड़ी में कई युवाओं ने ऐसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का बीड़ा उठाया है और यथासंभव लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंजवाड़ा के समाजसेवी राजा सिंह लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद सहित पूरे शहरों में रहने वाले पंजवाड़ा क्षेत्र के कई बिहारी प्रवासियों को राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इससे पूर्व राजा सिंह क्षेत्र में साबुन, मास्क बांटने के साथ साथ सैनिटाइजर छिड़काव की भी व्यवस्था कर चुके हैं। वहीं लोग इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पंजवारा पंचायत जानुकिता नगरी के रहने वाले हैं और हम लोग को चेन्नई में फंसे हैं, राशन पानी के लिए दिक्कत हुआ था। राजा भैया को फोन किए थे, उन्होंने यहाँ के चेन्नई के कुछ स्टाफ से बात करके हम लोग को राशन पानी के लिए अम्मा होटल में खाना खिलाने के लिए दो टाइम का दिया है। हम लोग ने राजा भैया को फोन किए, उसने बोला तुम लोग घबराओ नहीं और तुम लोग को राशन मुहैया करवाया जाएगा। राजा भैया ने अपने ही तरफ से, हम लोग ने उसके कई बार फोन किए, उसके बाद उसने बोला कि तुम लोग घबराना नहीं, मैं अपना राशन हम अपने तरफ से मुहैया करवा रहे हैं। अमरपुर थाना क्षेत्र की भरकू गांव निवासी अशोक साह की 1.5 वर्षीय पुत्री कंचन कुमारी की मंगलवार के दिन स्थानीय रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया, जिस कारण अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मृतक के पिता अशोक साह ने बताया कि सुबह बच्ची को उल्टी आई थी, आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां पदस्थापित डॉक्टर अशोक कुमार साह ने बिना जांच किए बच्ची को 2 सुई लगा दी। सुई लगने के थोड़ी देर के बाद ही बच्ची की मौत हो गई। हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के माता एवं पिता काफी निर्धन हैं। घटना की सूचना रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने थाने में दी है। सूचना मिलते ही बांका सर्किल इंस्पेक्टर वकील प्रसाद यादव, अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी, सहायक वन निरीक्षक BK तिवारी पुलिस बलों के साथ अस्पताल परिसर पहुंचकर मृतक के परिजनों को समझाते हुए शांत किया। मृतक की मां देवी के करुण रुंदन देखकर अस्पताल परिसर में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। मौके पर पहुंचे पंचायत के मुखिया परवीन झा ने तत्काल ही मृतक के परिजनों को 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की। अस्पताल परिसर में मौजूद नगर पंचायत अमरपुर के पूर्व चेयरमैन सदानंद महतो, अन्य व्यवसायियों की मदद से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। हम लेके आए हैं यह इसको दिखाने के लिए डॉक्टर को दिखाना है और सुई दिया। सुई देने के बाद में ये कौन सा सुई दिया, कागज लिख के बकाए जाओ। सर कैसे चलेंगे हम बका, ये आपकी बच्ची है, ये आपकी बच्ची है। हाँ सर,